हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष दलवी और आपका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे अपने अल्टीमेट फैक्ट एंड टेक्नोलॉजी चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट थी कि सर हमें फोटोशॉप सीखना है, वैसे तो मुझे टीचिंग आती नहीं है, लेकिन मैं आपको मेरी तरह से पूरा फोटोशॉप सिखाने का प्रयत्न करूंगा। दोस्तों, फोटोशॉप कोर्स में आप एडोब फोटोशॉप एप्लीकेशन को सीखेंगे। आप एक बिगनर है, आपको फोटोशॉप सीख के पेशेवर तरीके से काम करना है तो फोटोशॉप कोर्स आपके लिए उपयोगी होगा। आप फोटोशॉप सॉफ्टवेयर में महारत हासिल करने में आपकी मदद करने के लिए बहुत सारे फोटोशॉप ट्यूटोरियल हैं। लेकिन दोस्तों, मैं जो तरीका बताने वाला हूँ आपको, उससे आप सिंपल और सादे तरीके से फोटोशॉप सीख सकेंगे। लेकिन सवाल यह आता है कि फोटोशॉप क्यों सीखे, फोटोशॉप कैसे सीखे। इसका जवाब होता है, आपको क्रिएटिव और डिजाइन फील्ड में करियर बनाना है तो एडोब फोटोशॉप कोर्स इन्हीं कोर्स में आपको सिखाया जाता है कि इस तरह से हम एडिट कर सकते हैं टूल के बारे में, और जो भी इंटरफेस होता है फोटोशॉप को उनके बारे में आपको बताया जाता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हम जो भी इसके बाद क्लास लेने वाले हैं, जो भी कोर्स करने वाले हैं, वो आपको वन बाय वन बताऊंगा मैं। आज तो सिर्फ हम फोटोशॉप की कुछ ट्यूटोरियल्स के बारे में जानेंगे। ओके, और मैं कल से कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरह से फोटोशॉप का नॉलेज मिले। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर, तो ये मैंने पहले एडिट करके रखी थी दोस्तों कुछ फोटोज। इसमें आप इस तरह से डिजाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ लोगो बनाया था, ये पीएनजी फाइल्स, कार्टून एनिमेशन भी करता हूँ मैं, तो उसका भी थोड़ा सा इस पे वर्क किया था मैंने, ये स्टैम्प वगैरह है। तो दोस्तों, फोटोशॉप जब आप ओपन करेंगे, यहाँ पर मेरा फोटोशॉप है, इसको जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। जो रिसेंटली आपने काम किया, यहाँ रिसेंट नाम है, रिसेंटली आपने काम किया है वो सब वर्क यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो आप चाहे तो ओपन करके अपनी फाइल यहाँ से ले भी सकते हैं। यहाँ पर जाके जिस भी फोल्डर में आपने रखा होगा, जिस भी ड्राइव में रखा है, वहां से आप ले सकते हो, या फिर यहाँ से क्रिएट न्यू करके आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर साइज सिलेक्ट करके आप यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको तीन टाइप मिलते हैं दोस्तों, कस्टम, क्लिपबोर्ड और डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज। ये फोटोशॉप साइज आपका फोटोशॉप में, मैं आगे बताऊंगा आपको, इसे फुल स्क्रीन में दिखाई देगा। लेकिन अभी हम चलते हैं क्लिपबोर्ड पे। दोस्तों, यहाँ पर रेजुलेशन है, आपको आपके हिसाब से आप उसकी नीत रख सकते हो और यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ, मेरा नाम लिख देता हूँ हर्ष, ओके, वन वन कर देता हूँ। और यहाँ पर उसकी वेट रख सकते हैं, यहाँ पर भी वेट रख सकते हैं। यहाँ पर आप इसको चाहे तो पिक्सल में या इंचेस में, मिलीमीटर में और इसमें सेंटीमीटर में तो ज्यादातर कोई रखता नहीं है, इंचेस में और पिक्सल में सब लोग काम करते हैं। ओके दोस्तों, और इसके बारे में एड बोर्ड और इसके बारे में हम आगे देखेंगे। रिजुलेशन वो होता है दोस्तों, रिजुलेशन मतलब अपने लैंग्वेज में बताए तो क्लैरिटी, पिक्सल। अगर रिजुलेशन कम रहेगा और आप बैनर छाप दोगे तो वो फट जाएगा दोस्तों, उसका पिक्सल होगा। हालांकि रिजुलेशन कम से कम फोटोग्राफर 300 रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर विविध और साइज के हिसाब से हमें 32 रिकमेंड किया है फोटोशॉप ने, तो चलो हम 300 रख लेते हैं। यहाँ पर पिक्सल ठीक है, और यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिया गया है, लेकिन 16 बिट और 32 बिट का कोई काम नहीं, 8 बिट पे काम चल जाएगा। और यहाँ पर व्हाइट रख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी रख सकते हैं, इसमें पीएनजी फाइल आप बना सकते हैं, ये बैकग्राउंड कलर आपके हिसाब से, या फिर ब्लैक, मुझे तो व्हाइट ठीक लगता है वर्क करने में। तो ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पर इतना सब होने के बाद दोस्तों, यहाँ पर भी आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। ये प्रिंट का ऑप्शन है, आपको जो चाहिए, अगर आपको आपके हिसाब से आप यहाँ से जो भी लेना चाहते हो ले सकते हो। A4 साइज भी दिया है यहाँ पर, BS, B5, B3 साइज, और यहाँ पर आर्ट रेजुलेशन, इसके बारे में भी हम आगे सीखेंगे दोस्तों। मोबाइल के लिए कोई फोटो एडिट करना हो, स्मार्ट वॉच के लिए एप्पल का, बहुत से ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं दोस्तों। इसीलिए तो इसे फोटोशॉप को फोटोग्राफी का महाराजा कहा जाता है। तो यहाँ से हम सिंपली क्रिएट करते हैं। क्रिएट के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको इस तरह से विंडो आपका ओपन हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हम ये जो आपको साइड में दिखाई दे रहा है,
इसे हम टूल बार कहते हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ये सिंगल लाइन हो जाएगा, और फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको छोटा सा एरो दिख रहा होगा तो ये डबल लाइन में आ जाएगा दोस्तों। और इसमें और भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे दोस्तों, देखिए। तो ये जो ऑप्शन है दोस्तों इन्हीं के ऊपर, ये जो टूल्स है इन्हीं के ऊपर सारा वर्क यहाँ पर होता है दोस्तों। और ये जो ऊपर दिख रहा है दोस्तों ये मेनू बार, इसे मेनू बार कहते हैं हम। और जो भी यहाँ पर दिख रहा है जो वर्क करेंगे उसका यहाँ पर ऑपोसिटी, ये कलर्स जो भी ड्रॉ करेंगे यहाँ पर सब साइज वगैरह दिखाई आपको देगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे लेयर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। फोटोशॉप में जितना भी काम होगा, जितना भी काम हम लोग करते हैं सारे लेयर बाय लेयर ही होता है। ओके दोस्तों, लेयर के बिना फोटोशॉप में काम हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो इसके लिए अभी देखो हमने ये यहाँ पर एक ड्रॉ किया तो यहाँ पर एक लेयर, नया लेयर बन के आ गया दोस्तों, दिखाई दे रहा है आपको। अगर और एक ड्रॉ करूं मैं यहाँ पर न्यू पेज, यहाँ पर न्यू लेयर लेके, तो ये अलग अलग ड्रॉ होगा दोस्तों, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। चलो हम कुछ भी ऐसा ये कर देते दोस्तों, यहाँ पर ये किया। अगर ये लेयर को हम हेड करेंगे तो देखो दोस्तों यहाँ से ये भी हेड हो जाता है, अगर इसे हेड करेंगे तो यहाँ से ये हेड हो जाता है दोस्तों। जितना भी आप यहाँ पर काम करोगे सारा काम लेयर बाय लेयर होता है दोस्तों। ओके, अब अगले वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों टूल बार के बारे में, यहाँ पर कि टूल बार कैसे काम करता है। एक एक टूल के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा एक ही वीडियो में। आपको अगर सब बता दें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके।